हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर वन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर वन सॉलिड स्टेट तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन विच डिफेक्ट इज नॉन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट तो आपका टॉपिक है डिफेक्ट तो डिफेक्ट्स जो हैं बेसिकली मेनली आर ऑफ थ्री टाइप स्टोशोमेट्रिक नॉन स्टोशोमेट्रिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो उन डिफेक्ट्स में से पूछा है आपसे कि आउट ऑफ दीज थ्री डिफेक्ट्स किस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं तो स्ट्रोश्रोमेट्रिक जो डिफेक्ट एक्चुअली फोर टाइप का होता है शॉर्ट की डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड वेकेंसी तो फ्रेंकल जो डिफेक्ट है इसमें होता क्या है कि जो स्मॉल साइज कैटैन है वो अपना स्पेस छोड़ता है और इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाता है ठीक तो है तो अपना स्पेस छोड़ रहा है तो डिसलोकेट हो रहा है तो दिस डिफेक्ट इज नॉन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट तो फ्रेंकल इज ऑल्सो नॉन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट सेकेंड एज शॉर्ट की डिफेक्ट शॉर्ट की अंदर इक्वल नंबर कैटैन अपनी जगह छोड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं क्रिस्टलाइटिस से बाहर चले जाते हैं तो अपने प्लेस पर वो वैकेंसी क्रिएट करते हैं मेटल डिफिशियंस डिफेक्ट्स जो है जनरली वो मेटल ऑक्साइड शो करते हैं जिसमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें मेटल का एक्सेस हो जाता है तो ये दो टाइप के होते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी एंड मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन इन द इंटर साइट तो डिसलोकेशन डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट को बोला जाता है क्योंकि इसमें छोटा साइज कैटाइन सिर्फ डिसलोकेट होता है अपनी पोजिशन से हटता है और इंटरस्टीशियल स्पेस में जाके बैठ जाता है क्वेश्चन नंबर टू विच इज मॉलिकुलर सॉलिड आपको फोर ऑप्शंस जो है वो दे रखे हैं सिलिकन कार्बाइड सिलिकन कार्बाइड जो है वो कोवेलेंट सॉलिड है एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज ऑल्सो कोवेलेंट सॉलिड I2, I2 टू इज मॉलिकुलर सॉलिड डायमंड इज ऑल्सो कोवेलेंट सॉलिड तो दीज़ थ्री सिलिकन कार्बाइड एल्यूमिनियम नाइट्राइड डायमंडी थ्री आर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड एंड दिस आई टू इज मॉलिकुलर सॉलिड अब मॉलिकुलर सॉलिड आर ऑफ थ्री टाइप पोलर मॉलिकुलर सॉलिड नॉन पोलर एंड एच बॉन्डेड तो आई टू अंडर कैटेगरी नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडीन पर यह क्वेश्चन नंबर थ्री आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टलेटिस बाई अभी मैंने बताया कि जो आई टू मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर कैटेगरी में आता है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पीछे जो अट्रैक्टिव फोर्स है इज लंडन फोर्स टू पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है इस डायपोल डाइपोल अट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड जो एटम्स के बीच में होती है लंडन फोर्सेस विच इज आल्सो नोन एज डिस्पर्सिव फोर्स आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस तो लंडन फोर्स दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं लंडन फोर्स बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इन फेस सेंटर यूनिट सेल तो अगर स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वी नो डेट जो भी लेटेस्ट बनाता है अगर उसके नंबर ऑफ एटम हमें पता हो तो उसके अकॉर्डिंग हम टेट्रोहेडल ऑक्टेड्रल वर्ड बता सकते हैं तो जो फेस सेंटर यूनिट सेल है इसमें नंबर ऑफ एटम जेड की वैल्यू फोर होती है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल यानी एक यूनिट सेल के अंदर फोर एटम है तो जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं यूनिट सेल के अंदर उतने ही ऑक्टाहाड्रल होते हैं उसके डबल होते हैं तो इन फेस सेंटर यूनिट सेल आर एट्रोह जितने नंबर ऑफ एटम लैटिस फॉर्म करते हैं सपोज मैं कहूं कि थाउजेंड हमारे पास नंबर ऑफ एटम है विच आर फॉर्मिंग लैटिस तो टू थाउजेंड टेट्रोहैड्रल वर्ड बनेंगे और थाउजेंड ही ऑक्टाहाइड्रल रहेंगे तो सिमिलरली इन फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर यानी इन एटम एट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एच सी पी इन टू डी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में भी आता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एच सी पी इन टू डी एंड थ्री डी आता है तो ऑलवेज रिमेंबर कि टू डी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का सिक्स रहता है ठीक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स इन टू डी बट 12 इन थ्री डी ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का टू डी के अंदर रहता है सिक्स और थ्री डी के अंदर होता है ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी बी सी सी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो एम टी बोला है बच्चे यहां पे क्या करते हैं सिर्फ सीधा सीधा परसेंटेज लिख देते हैं पैकिंग इफिशियंसी की परसेंटेज लिख देते हैं तो पैकिंग इफिशियंसी होती क्या है कि कितना परसेंट स्पेस एटम किसी भी यूनिट सेल में ऑक्यूपाई करते हैं तो सिंपल uh, क्यूब में जो पैकिंग इफिशियंसी है यानी जो एटम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं फिफ्टी टू परसेंट यानी फिफ्टी टू परसेंट जो स्पेस है एटम्स यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं एंड रिमेनिंग फोर्टी एट परसेंट स्पेस इज वैकेंट स्पेस

नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन यानी जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनकी एक डेफिनेट ऑर्डर ज्योमेट्री होती है हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो तो जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनकी एक डेफिनेट पार्टिकल्स की एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज इन डेफिनेट ज्योमेट्री इन क्रिस्टलाइन सॉलिड तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंट डायरेक्शन से कट करते हैं तो हमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट आती है पार्टिकल की तो सरफेसेस पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन ठीक है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी कि अगर हम किसी सब्सटेंस को सॉलिड को कट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से तो वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा शो करेगा एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एन आइसोट्रॉपी एलिमेंट वाई फॉर्म सीसीपी कंपाउंड तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पॉसिबल है पेपर में आएंगे चांस है मैक्सिमम एलिमेंट वाई जो भी सीसीपी बना रहा है सबसे पहले उसके नंबर ऑफ एटम हम क्या ले लेंगे एक्स ले लेंगे ले ले या डी ले लेंगे ले ले. तो सपोज द नंबर ऑफ वाई एटम्स इज ए ए जो एक्स है वो वन थर्ड क्या ऑक्यूपाई है टेट्राइडल वाइड अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि जितने नंबर ऑफ एटम लेटे बनाते हैं उसके डबल हमारे टेट्राइडल वाइड होते हैं और सेम नंबर ऑक्टाइड यानी अगर मैं बोलूँ कि वाई एटम हमारे ए है तो यानी ए जो एटम है वो सी सी पी बना रहे हैं तो ए ही हमारे पास ऑक्टाइडल वाइड होंगे टू ए टेट्राइडल वाइड होंगे तो

इन सॉलिड क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ हिटिंग इज जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उससे कौन सा डिफेक्ट अराइज होगा वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं जो एटम है वो अपनी स्पेस छोड़ के बाहर निकल जाता है तो वेकेंसी इज क्रिएटेड तो डिफेक्ट इज नॉन एज वैकेंसी डिफेक्ट विच इज अराइज ड्यू टू हीटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लिथियम क्लोराइड ऑन हीटिंग इन एक्सेस ऑफ लिथियम वेपर बिकम पिंक तो इस पर क्वेश्चन और आ सकता है वाई एन ए सी एल ऑन हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एन ए बेपर बिकम येलो वाई पोटेशियम क्लोराइड बिकम वायलेट तो जब भी कोई कलर का क्वेश्चन आए और एल्कली मेटल हलाइडी का क्वेश्चन आए तो बिना कुछ सोचे समझे आप एफ सेंटर को टिक करोगे तो रीजन इज एफ सेंटर तो ड्यू टू एफ सेंटर लिथियम क्लोराइड बिकम पिंक ऑन हीटिंग सोडियम क्लोराइड बिकम येलो ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड बिकम वायलेट ऑन हीटिंग तो जब भी कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है फ्रॉम चैप्टर वन से तो आप एफ सेंटर सर्च करोगे पहले ठीक है तो एफ सेंटर की वजह से लिथियम क्लोराइड पिंक हो जाता है सोडियम क्लोराइड येलो एंड पोटेशियम क्लोराइड वायलेट इन कलर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड एन बिकम येलो अपॉन हीटिंग बेटा अभी मैंने कलर का आपको क्वेश्चन डिस्कस किया लेकिन वो मैंने एल्कली मेटल हिलाइट का किया था एल्कली मेटल्स आर सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम तो अगर लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड पे क्वेश्चन आता है कि वो येलो पिंक वायलेट क्यों हो जाते हैं तो आप लिखोगे एफ सेंटर बट जेड पर जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का होता है बट हीटिंग पर येलो हो जाता है तो उसका रीजन आप लिखोगे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटस्टिशल साइट ये मेटल एक्सेस टू टाइप के होते हैं ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी यानी मेटल एक्सेस ही बेसिकली कलर uh, के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी है तो उसमें एफ सेंटर वाला रीजन आएगा जिसमें हमने एल्कली मेटल हेलाइट पढ़े हैं और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटान इन द इंटस्ट्रीशियल साइट वाला अगर आता है तो जेड एनो का क्वेश्चन है तो जेड एनो जो येलो हो जाता है एटिंग पर वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटस्ट्रीशियल साइट की वजह से होता है ठीक है तो जेड एनो पर क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन द इंटस्टीशियल साइट नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड फोर सिंपल क्यूब वट इज जेड जेड इज नंबर ऑफ एटम इन अट सेट सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं तो सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम की वैल्यू इज वन वी नो डेट इन सिंपल क्यूब एट एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर बट एटम एट कॉर्नर इज शेयर बिटवीन एट यूनिट सेल तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एट एटम तो कॉर्नर पे होते हैं बट कॉर्नर पे जो एटम है शेयर बिटवीन एट यूनिट सेल तो एट इन टू वन बाय इज वन तो z इज इक्वल टू वन फोर सिंपल क्यूब z इज इक्वल टू टू फोर बॉडी सेंटर क्यूब बी सी सी बॉडी सेंटर में एट आइटम कॉर्नर पे होते हैं तो कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाईट हो एट होता है एंड बॉडी के सेंटर में जो आइटम प्रेजेंट होगा हंड्रेड परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उसी आइटम का होगा तो ये हो गया टू z की वैल्यू फोर फोर फेस सेंटर क्यूब एट आइटम एट कॉर्नर एंड कॉर्नर पर जो आइटम है शेयर बिटवीन एट यूनिट सेल एंड सिक्स एटम एट फेस सेंटर्ड एंड फेस पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है तो टोटल वैल्यू आ गई जेड की फोर तो फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डेंसिटी रिप्रेजेंट बाय डी इट इज जेड इनटू एम डिवाइड बाय ए क्यूब इनटू एन ए एयर जेड इज वन टू फोर यानी नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल एम इज मोलर मास विच इज ऑल्सो नोन एज मॉलिकुलर और एटोमिक मास

Uh, अगर आपको ए दे रखा पिकोमीटर में तो आप उसको किसमें कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो वन पिकोमीटर इज इक्वल टू तो टेन की पावर माइनस टेन सेंटीमीटर की पावर माइनस एट सेंटीमीटर वन नैनोमीटर टेन की पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर ठीक है इस तरीके से डेंसिटी पे अगर फॉर्मुला आता है न्यूमेरिकल आता है तो आप इस डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करके इस िकल को इजली से सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ए एंड आर ए इज इज ऑफ यूनिट सेल आर इज रेडियस ऑफ एटम तो ए इज इक्वल टू टू आर फॉर सिंपल क्यूब ए इज इक्वल टू टू रूट टू आर फॉर बॉडी फेस सेंटर्ड क्यूब ए इज इक्वल टू फोर बाय रूट थ्री आर फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब ठीक है तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फोर सिंपल क्यूब या फेस सेंटर क्यूब या बॉडी सेंटर क्यूब या न्यूमेरिकल भी आ, सकते length, आ सकता है आपको रेडियस दे दिया आइटम का बताओ एज लेंथ क्या होगी यूनिट सेल की अगर सिंपल यूनिट सेल है इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डिस्टेंस ठीक है तो इज इक्वल टू टू आर फॉर सिंपल क्यूब ठीक है फेज सेंटर क्यूब में d इज इक्वल टू ए बाई टू आप इसको 2r को a भी लिख सकते हो क्योंकि a इज इक्वल टू टू आर होता है तो d इज इक्वल टू ए या d इज इक्वल टू टू आर ठीक है d इक्वल टू ए या d इक्वल टू टू आर फॉर सिंपल क्यूब d इज इक्वल टू ए बाई टू एज लेंथ का हाफ होता है फेज सेंटर के लिए एंड डी इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू बॉडी डायगनल का हाफ फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब ठीक है आई होप क्लियर हो गए होंगे पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद फेस डायगनल फेस डायगनल का जो फॉर्मूला होता है इज रूट टू ए बॉडी डायगनल का जो फॉर्मूला होता है यूनिट सेल जनरली हम क्यूब मानते हैं तो बॉडी डेग्नल का फॉर्मुल रूट थ्री ए रूट थ्री ए नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल कि कितना परसेंट स्पेस एटम ऑक्यूपाई करते हैं यूनिट सेल के अंदर तो सिंपल क्यूब सिंपल क्यूब में सिर्फ एटम कॉर्नर्स पे होते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी इज 52 परसेंट बॉडी सेंटर क्यूब सिक्सटी एट परसेंट फेज सेंटर क्यूब इज सेवेंटी फोर तो बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी इज एफसीसी जिसको हम एचसीपी भी बोल सकते हैं सीसीपी भी बोल सकते हैं हेक्सगनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो इसमें सेवेंटी फोर परसेंट स्पेस आइटम ऑक्यूपाई करता है तो बेस्ट पैकिंग एफिशियंसी इज एफ ठीक है क्योंकि इसमें जो वर्ड हैं वो स्पेस बहुत कम ऑक्युपाई कर रहे हैं मैक्सिमम स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं पाएगा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैकिंग एफिशिएंसी पे बनता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है तो इन अ यूनिट सेल इन अ यूनिट सेल तो मान लो सिंपल क्यूब है तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम Z इन टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन सिंपल क्यूब तो Z की वैल्यू क्या रखोगे वन ठीक है तो फोर सिंपल क्यूब फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड सेंटर क्यूब Z की वैल्यू रखो फोर तो फोर फोर इज 16 सिक्सटीन बाय थ्री पाई आर क्यूब बॉडी सेंटर क्यूब z की वैल्यू टू होती है तो एट बाई थ्री पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम तो इस तरीके के क्वेश्चन सैंपल पेपर में है कि अगर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से पूछेंगे बताओ करेक्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन सिंपल क्यूब तो सिंपल क्यूब में जेड के प्लेस पर रख दोगे वन तो फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब फेस सेंटर में जेड के प्लेस पर रखोगे फोर फोर फोज सिक्सटीन थ्री सिक्सटीन बाई थ्री पाईआर क्यूब बॉडी सेंटर में जेड की वैल्यू टू होती है तो एट बाई थ्री पाईआर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन पर ही बनाऊंगी ठीक है तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और कमेंट्स भी करें थैंक यू